हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के दारुल फला मस्जिद के पास। आपको बता दें कि ईद के मौके पर आज मुमरा शहर में जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था, और लोग जो है अपने घरों से निकलकर ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद तक पहुंचे थे। दारुल फला मस्जिद पर भी जो है पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था ताकि किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुँचते हैं। DCP गणेश गावड़े, मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर PI NB कोल्हटकर और भारी पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था। लोग नमाज अदा करने के बाद जो है शिकवे के लिए भूल कर एक दूसरे को गले से लगाया, और इसी के साथ ही पुलिस ने भी जो नमाज अदा करने के लिए लोग आए थे उन लोगों को गुलाब का फूल देकर जो है उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर हमने कुछ लोग नमाज अदा करने के लिए जो आए थे लोगों से भी ईद के मौके पर बातचीत की है, वो भी आपको सुनाएंगे। और किस तरह से मुमरा शहर में पुलिस का भारी बंदोबस्त लगाया गया था ईद के मौके पर, और लोगों को शुभकामनाएं किस तरह से पुलिस ने दी है, DCP गणेश गावड़े ने क्या कुछ बताया है, इस पर हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे? दारुल फला पर ईद की नमाज अदा की गई, अमन और शांति, और किस तरह से यहाँ पर बंदोबस्त किया गया था उसके बारे में क्या बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो है दारुल फला मस्जिद के अंदर जो है बेहतरीन इंतज़ाम नमाज का किया गया था, और म्यूनसिपल्टी अमले ने और हमारे जो है पुलिस अमले ने यहाँ पर बेहतरीन नमाज का नज़्म व नस्क रखा था, और इत्मीनान से यहाँ पर जो है वक्त पर नमाज शुरू हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इमाम जो हमारे मौलाना ज़की साहब जिन्होंने नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए अमन व अमान और शांति के लिए अपने खुतबे में जो है दुआ की, और इत्मीनान से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है नमाज जो है इत्मीनान से जो है लोगों ने अदा की और अपने अपने घरों पर रवाना हुए। तो क्या बताना चाहेंगे? आज ईद उल फितर का दिन है, लोगों ने नमाज अदा की बड़े शांति तरीके से, पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त लगाया गया था, क्या कहेंगे इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शमीम अंसारी, आप सभी को ईद की बहुत बहुत पुरखलोस मुबारकबाद। यहाँ पे हर साल ईद की नमाज़ होती है, यह कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, मुमरा का सबसे बड़ा ईदगाह है। यहाँ पे शांतिपूर्वक ईद की नमाज़ हुई है, पुलिस का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त रहा है, पुलिस का भी बहुत अच्छा कॉपरेट रहा है यहाँ पे, और नमाज़ बहुत अच्छी तरीके से हुई है। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि सब शांतिपूर्वक ईद की नमाज़ पढ़ के अपने अपने घर जाएं और ईद की खुशी मनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मुमरा में रमज़ान ईद की नमाज़ पढ़ी गई है, और सभी मुस्लिम भाइयों को पुलिस की तरफ से ईद की शुभकामनाएं, और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों से भी पुलिस को बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सबकी शुभकामनाएं मिली है। सबको ये ईद अच्छी जाए, शांति अमन बनाए रहे, इसके लिए मैं फिर एक बार पुलिस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, एक सवाल ये है कि कल रविवार है और एक अल्टीमेट भी दिया गया था, तो उसको किस तरीके से एक्सटेंड किया गया है, या उस बारे में कोई और बंदोबस्त की जा रही है? यहाँ पे शांति और अमन बनाई रहे ये जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस उस तरीके से पूरे जो आवश्यक जो उपाय योजनाएं हैं वो पुलिस कर रही है, और आप सभी मुमरा वासियों को भी यही निवेदन कि वो भी शांति और अमन रहने में मदद करेंगे। पुलिस अपना काम करेगी और उस काम में आपका सबका सहयोग जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू सर।